नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड सफारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये ओरछा सीरीज़ का पांचवा वीडियो होगा और इसके अंतर्गत हम दरोका की कोठी देखेंगे। ये श्रृंखला आप सभी को कैसी लग रही है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करके इस बात को बताइए यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं। तो आज हम चलते हैं दरोका की कोठी को देखने। लीजिए, तो हम आ गए दरोगा जी की कोठी, जो कि दाऊ की कोठी के थोड़े से आगे है। और यहाँ से आप देख सकते हो इसके पीछे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसका मतलब है कि इसका संरक्षण ठीक से नहीं हुआ है और ये बहुत ही विशाल कोठी है। यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है सामने, जो बताता है ये दरोगा जी की कोठी है। और यहाँ पर देखिए सामने जो इसका गेट है, ये बहुत ही विशाल गेट है और इसको तकरीबन 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। और यहाँ से देख लीजिए, ये सामने से व्यू है और इसकी जो दूसरी मंजिल है, ये दो मंजिला कोठी है और इसकी ऊपर की मंजिल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, टूट चुकी है। ऐसी बिल्डिंग्स का संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है गवर्नमेंट के द्वारा से। यदि इस तरीके से हिस्टोरिकल प्लेसेस टूटते रहेंगे, ये जो इमारतें हैं ख़राब होती रहेंगी, तो आने वाला जो जनरेशन है उनको देखने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम इसके अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं अंदर से ये कैसी दिखाई देती है। ये एक बहुत ही विशाल कोठी रही होगी अपने ज़माने में, क्योंकि इसका जो एरिया है बहुत ही विशाल है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा पत्थरों का काम है, तो बहुत ही सुंदर नक्काशी इस पर की गई है। जो कारीगरी है बहुत ही शानदार की गई है। अब सामने आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से टूट चुकी है। सिर्फ सामने का जो गेट हम अंदर आए हैं सिर्फ वही ठीक ठाक है, बाकी सारा कुछ टूट चुका है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो दो मंजिला कोठी है और ये सामने ये पूरा एरिया है जहाँ पर ये कोठी बनी हुई थी, तो अच्छे खासे बड़े एरिए में इसको बनाया गया था। और यहाँ पर इसके कमरे, यहाँ पर देखिए ये टूटे हुए हैं। तो यहाँ पर आके अनुभव होता है जो हमारे पूर्वज थे, जो राजे रजवाड़े वाले लोग थे, वो कैसे रहा करते थे। यहाँ की जो एकांत वातावरण है उसको आप महसूस कर सकते हैं। ये ओरछा की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके आंसर दीजिए कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, जिससे कि मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। ये सामने ऊंटघर है जिसकी वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और अच्छे वीडियोस और अच्छे हिस्टोरिकल प्लेसेस मैं अपनी वीडियो में दिखा सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।